कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए हुए चुनाव में सुनील केदार के सहकार पैनल ने एक तरफा जीत हासिल कर बीजेपी को करारा झटका दिया। चुनाव में पहली बार बीजेपी समर्थित क्षेत्रीय परिवर्तन पैनल को उतारा गया था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। सभी 18 पदों पर सहकार पैनल के उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर आए। सबसे ज्यादा दिलचस्प व्यापारी आढ़तीय श्रेणी चुनाव रहा, जिसमें भी केदार गुट के ही प्रकाश वाधवानी और अतुल सेनाड़ को सफलता मिली। सेनाड़ को सर्वाधिक 873 वोट मिले, जबकि वाधवानी को 789 वोट हासिल हुए। एपीएमसी चुनाव को लेकर कलमना स्थित मतगणना स्थल पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ चुकी थी। पहला नतीजा सुबह करीब 11 बजे हमाल वर्ग का आया। इसके बाद व्यापारी आढ़तीय वर्ग का रिजल्ट आया। अधिकांश लोगों की नजरें इसी वर्ग में लगी हुई थी। नतीजे आते ही आतिशबाजी और गुलाल का दौर चल पड़ा। चुनाव के दौरान भाजपा के विधायक और पार्षद मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं रविवार को मतगणना के दिन एक भी नेता नजर नहीं आया। केदार गुट को पहले से ही जीत का अनुमान था, जिसके कारण उनके समर्थक सुबह से ही स्थल में पहुंचे हुए थे। जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहा था, उत्साह बढ़ते जा रहा था। ढोल बाजे के साथ लोगों ने जबरदस्त विजयी जुलूस निकाला और पूरे परिसर में भ्रमण किया। वहीं विपक्ष के लोग पूरी तरह से नदारद रहे। सुनील केदार ने विजय के बाद कहा कि सभासद एपीएमसी के विकास के लिए काम करेंगे। विजय सहकार क्षेत्र का विजय है। सहकार विरोधियों को वोटरों ने सबक सिखाया है। किसानों को न्याय दिलाने का पूरा पूरा प्रयास होगा। केंद्र के किसान विरोधी नीति के खिलाफ भी लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया है।